हाय गाइस, आपका बहुत स्वागत है खुराना किचन में। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही एक्साइटिंग सी डिश जिसका नाम है वेज लॉलीपॉप। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। इस डिश को हम बेसिक से इंग्रेडिएंट से रेडी करेंगे जो घर पर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 2 कप पोहा लेना होगा। ये नॉर्मल पोहा है जो घर पर इजीली अवेलेबल हो जाता है। अब दोस्तों हमें इसे ग्राइंड करना होगा पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए। तो चलिए ग्राइंड करते हैं। तो देखिए इस तरह से आप ग्राइंड कर दीजिएगा। मुश्किल से 1 मिनट लगेगा ग्राइंड करने में। ये कुछ इस तरह से आप इसे पाउडर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब एक पैन लीजिए, पैन में 2 कप पानी डाल दीजिएगा। अब पानी डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून के आसपास आप सॉल्ट डाल दीजिएगा। अब थोड़ा सा इस मिक्सचर को चला दीजिए ताकि सॉल्ट अच्छे से इसमें ऑब्जर्व हो जाए। अब अच्छे से चलाने के बाद जो हमने पाउडर बनाया था यानी पोहे का जो पाउडर है उसको हम इसमें धीरे धीरे कर ऐड करेंगे। एक साथ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें लम्स बन सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप ऐड कर दीजिएगा। अब जो आधा बचा हुआ पोहा है वो भी हम इसमें धीरे धीरे करके ऐड कर देंगे। कुछ इस तरह से आप ऐड कर दीजिएगा। और हीट आपको मीडियम लो रखनी है। इसे ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं पकाएंगे नहीं तो ये नीचे से लगने लग जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से आप इसे पका लीजिएगा। अब इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। अब बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद कुछ वेजीज ऐड करते हैं फ्लेवर के लिए। जैसे मैंने पे अनियन का यूज़ किया है, रेड कैप्सिकम का यूज़ किया है और एक मीडियम साइज़ का बॉइल्ड पोटैटो मैंने यहाँ पे लिया है। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं जैसे चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो। अब 1/2 चम्मच के आसपास हम यहाँ पर सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आमचूर पाउडर का यूज़ किया है ताकि इसमें थोड़ा सा खटास और बढ़ जाए। और यहाँ पर मैंने 2 ग्रीन चिलीज का यूज़ किया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फ्रेश कोरिएंडर का यूज़ किया है यानी धनिया के पत्ते। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से आप मिक्स कर दीजिएगा। तो अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जिससे कि हम इसे अच्छे से शेप दे सके लॉलीपॉप की। तो देखिए हाथों की मदद से आप इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। अगर ये आपके हाथों से चिपकने लग जाए तो थोड़ा सा आप इसमें ऑयल ऐड कर दीजिएगा। 1 चम्मच के आसपास मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड किया है। इससे आपके हाथों से चिपकना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए हम इसका लॉलीपॉप बनाते हैं। तो अभी तक ये रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाथों को ग्रीस करने के बाद इस तरह से आप एक पेड़ा ले लीजिएगा, उसको इस तरह से आप फैला दीजिएगा और बीच में एक फिंगर की हेल्प से इसे प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो आइसक्रीम स्टिक है इसमें इजीली चली जाए। तो देखिए कुछ इस तरह से आप प्रेस करते रहिएगा और इसे एक लॉलीपॉप की शेप दे दीजिएगा। ये देखिए लॉलीपॉप हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। आइए मैं आपको एक और बनाकर दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से आप पेड़ा ले लीजिएगा। पेड़े को अच्छे से हाथों में प्रेस करते हुए इसे लॉलीपॉप की शेप दे दीजिएगा आइसक्रीम स्टिक लगाने के बाद। तो ये आइसक्रीम स्टिक आपको इजीली मार्केट से अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हमारा लॉलीपॉप बिल्कुल रेडी हो गया है। तो नेक्स्ट हमें स्लरी बनानी होगी। तो स्लरी बनाने के लिए हमें 2 टेबलस्पून मैदा लेना होगा और साथ ही में मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। तो देखिए इन सबको अच्छे से डालने के बाद इसमें 1/2 टेबलस्पून हम सॉल्ट का यूज़ करेंगे ताकि इसमें फ्लेवर आए। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सॉल्ट इसमें अच्छे से सारी तरफ से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम पानी का यूज़ करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा कर हमें पानी डालना होगा, एक साथ सारा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो दोस्तों इसमें लम्स बन जाएंगे। तो इस तरह से आप पानी डालने के बाद इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहिएगा, चलाते रहिएगा ताकि इसमें लम्स ना बने। तो कुछ इस तरह से आप इसे चलाते रहिएगा। ये देखिए तो यहाँ पर देखिए हमारी स्लरी बिल्कुल रेडी हो गई है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो जो लॉलीपॉप हमने बनाकर तैयार कर दिए हमें इसे स्लरी में डिप करना होगा। कुछ इस तरह से आप स्लरी से इसे कोट कर लीजिएगा और एक्स्ट्रा स्लरी निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड क्रम्स का यूज़ भी किया है। तो ब्रेड क्रम्स को हम इसे अच्छे से कोट कर देंगे चारों तरफ से ताकि इसमें ब्रेड क्रम्स अच्छे से चिपक जाएँ और ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनकर तैयार हो। ये देखिए यहाँ पर हमारे लॉलीपॉप बिल्कुल रेडी हो गए हैं फ्राई होने के लिए। तो गर्मा गर्म तेल में हम इसे फ्राई करेंगे। तो दोस्तों हमें गैस की फ्लेम को मीडियम हाई पर रखना होगा। तो इस तरह से आप लॉलीपॉप को डाल दीजिएगा। ये देखिए जब तक इस पर गोल्डन कलर ना आ जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे।
तो कुछ इस तरह से आप फ्राई कर दीजिएगा। ये देखिए अब इस पर गोल्डन कलर आने लगा है, तो इस स्टेज पर हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से हमारे क्रिस्पी हो चुके हैं लॉलीपॉप। तो आइए अब हम इसे सर्व करते हैं, मैं आपको उसका क्रिस्पीनेस सुनाता हूँ कितने ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। इन वेज लॉलीपॉप को और अच्छा लुक देने के लिए यहाँ पर मैंने मेयोनीज का यूज़ किया है, तो इस तरह से आप मेयोनीज का डिज़ाइन इस पर बना दीजिएगा ताकि ये बच्चों को भी और ज़्यादा अट्रैक्ट करे। आप इसे सुबह या शाम की चाय के साथ बनाकर खा सकते हैं और ये एज ए पार्टी स्नैक्स भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे वेज लॉलीपॉप बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे वेज लॉलीपॉप घर पर बनाकर तैयार किए हैं। तो आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ज़रा सी भी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मैं नवीन खुराना आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।